सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइज, आज हम लोगों का सेकेंड ब्लॉग है। आपने पिछला ब्लॉग देखा होगा, वो मेरा फर्स्ट ब्लॉग था, तो आज सेकेंड ब्लॉग है। लेकिन आज का ये ब्लॉग ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की इस ब्लॉग में आपको कुछ खास दिखाने वाला हूँ। तो यार, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना यार। और कल की तरह ही आज हम लोग ब्लॉगिंग करना निकल चुके हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम लोग जाने वाले हैं, और यहाँ पर महफूज भी आ चुका है, जो जानते ही होंगे। अगर पिछले ब्लॉग में हम लोग बताए थे, अपना इंट्रोडक्शन किए थे कि हम लोगों का एक चैनल है, टेक चैनल, उसी पर वर्क करते हैं, और यहाँ पर ब्लॉगिंग चैनल भी ओपन किए हुए हैं, तो इस पर भी सपोर्ट करना। तो यार, चलते हैं ब्लॉगिंग की तरफ। यहाँ पर आपको सारा कुछ दिखाएंगे क्या हो रहा है, और आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम लोग चल दिए हैं यहाँ पर ब्लॉगिंग शूट करने के लिए। और आज का जो ब्लॉग है ना यार, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और आज का ब्लॉग में काफ़ी यूनिक आपको देखने को मिलेगा। तो यार, इस ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना। और यहाँ पर देख सकते हो कि हम लोग चल चुके हैं, और आज का ब्लॉग हम लोग स्टार्ट करें कुछ घर के दूरी तरफ आ चुके हैं। तो यहीं पर मन किया ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए, तो स्टार्ट कर दिया, नहीं तो हम लोग घर की तरफ से ही ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस तरह से कुछ है, और यहाँ पर हम लोग और उधर आगे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर आपको आगे जाके दिखाते हैं कितना अच्छा अच्छा चीज़ है, और यहाँ पर आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा। तो इस ब्लॉग को कंटिन्यू बनाए रखें। और गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो कितना मतलब घना जंगल है, और यहाँ पर बहुत सारे मतलब बकरियाँ वगैरह चरती है, गैबल वगैरह। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना बड़ा जंगल वगैरह है, सब कुछ है। और इधर बहुत सारा पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं। यहाँ पर कल हम लोग दूसरे लोकेशन में गए थे, बट आज दूसरे लोकेशन में आए हैं। तो यहाँ पर आप देख लेना आज का नज़ारा और कल का नज़ारा कैसा है, आज बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर रेलवे लाइन भी दिख रहा है, जो हम लोग अभी जाने वाले हैं, और वहाँ पर जाके आपको बताते हैं क्या क्या करते हैं। तो यहाँ पर आप कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि रेलवे लाइन है, और आगे की तरफ पहाड़ दिख रहा है, तो उस पर भी जाएंगे यहाँ पर फिलहाल में। तो यहाँ पर इससे हम लोग पार होते हैं। कुछ ही करीब है यहाँ पर रेल पटरी की तरफ से। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर रेलवे लाइन है, बिछाया हुआ है, और आगे की तरफ से रोड है। और वहाँ पर देखो गाइस, यहाँ पर बहुत ही बड़ा बड़ा पहाड़ है, तो उस पर अभी जाने वाले हैं। तो फिलहाल इधर से ही रोड है, क्योंकि इधर से जाएगा, उसके बाद यहाँ पर तो अंदर की तरफ से रोड है, उस पर निकलेंगे, तब यहाँ पर उस पर हम लोग पहुँचेंगे। तो यहाँ पर चलते हैं, यही रास्ता है जिससे हम लोग उस पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग निकल रहे हैं। तो गाइस, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, और हम लोग चलते हैं पहाड़ पर। पहाड़ पर जाके चढ़ के सारा कुछ आपको बताते हैं और दिखाते हैं नज़ारा, पहाड़ पर से कैसा नज़ारा आता है नीचे की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार से पहाड़ है, और ये बहुत ही लंबा चौड़ा में है। तो यहाँ पर उधर से भी हम लोग आ सकते थे, बट पिछला रास्ता से आए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पर हम लोग ऊपर चढ़ते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम लोग आ चुके हैं और इस पर चढ़ने वाले हैं, बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना यार खतरनाक जगह है। और यहाँ पर हम लोग चढ़ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ वहाँ से रेल पटरी है, वहाँ से ट्रेन आती जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारा कुछ वगैरह है, और यहाँ पर कोई भी आदमी अभी नहीं है, शांतिपूर्वक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, इतना ही दूर चढ़ने पर हम लोग हाँफने लगे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो गाइस, अभी हम लोग और ऊपर चढ़ते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं नज़ारा। तो गाइस यार, यहाँ से आप अब देख सकते हो कि कितना खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ पर हम लोग कुछ ही दूर पर आ चुके हैं, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर कुछ डर लगता है, क्योंकि यहाँ ये पहाड़ जो है ना बहुत ही ज़्यादा खतरा वाला है। यहाँ पर बहुत सारे लोग
मतलब कुछ हो भी जाता है तो यहाँ पर ज्यादा ऊपर भी नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर जितना में आप एंजॉय कर सके उतना में करना चाहिए। तो गाइस ये देखिए ये इस पहाड़ का कितना मस्त एकदम नज़ारा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से देखने में। और ये देखिए और ऊपर है, अभी मतलब हम लोग ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे इसलिए कि वहाँ पे कुछ डर है। मतलब यहाँ के आदमी लोग कहते हैं कि ऊपर जाने से मतलब कुछ सांप वगैरह रहता है, इसलिए हम लोग नहीं जाने के लिए मतलब हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो भाई इसके लिए हम लोग को माफ़ कीजिएगा। तो गाइज यार एक और बात बताऊँ कि यहाँ पर जब आप पहाड़ पर किसी पहाड़ पर आते हो तो वहाँ पर पेड़ पौधे जो देखते हैं ना यार काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हरा हरा कलर का सारा कुछ दिख रहा है, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा फीलिंग होता है। और यहाँ पर अगर आप सुबह या तो शाम के टाइम पर आओगे ना किसी भी पहाड़ पर तो वहाँ पर आपको अच्छा लगेगा ही। तो यहाँ पर हम लोग अभी मतलब 3-4 बजे के लगभग यहाँ पर आए हैं ब्लॉगिंग शूट करने, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारा कुछ दिख रहा है। और यहाँ पर हम लोग थोड़ा घूम भी लेते, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ इस प्रकार से ऊंचा ऊंचा पहाड़ है जो बहुत ही देखने में भयानक लग रहा है, और यहाँ पर आप उतना ऊपर चढ़ नहीं सकते हो। तो गाइज़ अब देख ही लिए होंगे और हम लोग अब यार घर की तरफ से रवाना होते हैं। तो यार अगर आपको ऐसा ही वीडियो चाहिए और ये वीडियो अच्छी लगती हो ना तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। फ़िलहाल मैं यहाँ पर महफूज बैठा हुआ है, बट यहाँ से हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे अब घर की तरफ जाएंगे और सारा कुछ आपको दिखाते हैं भी हैं। तो यहाँ पर आपको देखते देखते जाएंगे हम लोग। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो कितना ज़्यादा ढलान है, जो यार बहुत ही मुश्किल होता है ये सब में। अगर यहाँ पर आप गलती से भी थोड़ा सा फिसल जाते हो तो यहाँ पर आपको कुछ खतरा भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने सावधानी पूर्वक इसको पार करना पड़ता है, तभी यहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं आते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खतरा वाला पहाड़ है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक ट्रेन भी आ चुका है जो जा रही है वहाँ पर। फिलहाल हम लोग पास में नहीं है, नहीं तो यहाँ पर आपको लाइव यहाँ पर दिखा देते, लेकिन बट यहाँ पर आप अगर आपको दिख रहा है तो बताना। यहाँ पर देख सकते हो कि मालगाड़ी था तो मतलब इंजन वगैरह था तो उसे वही जा रहा है सिर्फ। पर आप देख सकते हो कि हम लोग नीचे की तरफ से उतर चुके हैं और यहाँ पर हम लोग चलते हैं, बट यहाँ पर चलते चलते यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक ट्रेन जा रही है जो मालगाड़ी यहाँ पर है। तो यार देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए हम लोग कभी कभी यहाँ पर आ जाते हैं घूमने की तरफ से। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ट्रेन जा रही है, फिलहाल में ये मालगाड़ी वाला है, यहाँ पर कोई पैसेंजर वगैरह कोई भी एक्सप्रेस ट्रेन नहीं है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो, तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो जा चुके हैं, तो हम लोग भी चलते हैं। यहाँ पर हम लोगों का बाइक कुछ आगे की तरफ से है, तो यहाँ पर हम लोग पैदल ही जा रहे हैं। फिलहाल में यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा कॉमेंट कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब। और यहीं पे ब्लॉग एंड नहीं करेंगे, यहाँ पर और कुछ है जो आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पर ब्लॉग को कंटिन्यू बने रहे। तो हम लोग चल दिए हैं, यहाँ पर हम लोग बैठ चुके हैं गाड़ी पे। और तो गाइस हम लोग घर की तरफ ही निकल चुके थे, तो यहाँ पर सोचे कि थोड़ा रेलवे लाइन का नज़ारा भी देख लेते हैं ऊपर चढ़ के ही, क्योंकि बिकॉज़ यहाँ पर हम नीचे से तो दिखा ही रहे थे बट यहाँ पर क्लियर आपको नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पर हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, यहाँ पर फिलहाल में यहाँ पर आप देख सकते हो यार कैसा यहाँ पर रेलवे लाइन का नज़ारा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि रेल की पटरी दोनों तरफ है और यहाँ पर 2 लाइन यहाँ पर बना हुआ है, एक ट्रेन आने जाने का रास्ता है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर हम जाते हैं उस वाले पटरी पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। और हमें कमेंट में बताना कि आप लोगों का जो ट्रेन होता है स्टेशन वो कितनी दूरी पर है। फिलहाल में हम लोगों का तो 5-6 किलोमीटर लगता है जाने में, उतना ही दूरी पर है, तो हम लोग फिलहाल में आसानी से आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि कुछ इस प्रकार सा नज़ारा है और यहाँ पर कुछ घर भी है यहाँ पर बना हुआ है। तो गाइस यहाँ पर आप देख ही लिए होंगे कि ट्रेन के पटरी का नज़ारा कुछ इस प्रकार से है। और यहाँ पर 2 और ट्रेन आई थी, यहाँ पर हम लोग उसका कैप्चर नहीं कर पाए। फिलहाल में हम लोग यहाँ से घर की तरफ से रवाना होते हैं, निकलते हैं। यहाँ पर ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना यार, ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और बिकॉज आप लोगों को हम लोग पहाड़ दिखा चुके हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर बंडा पहाड़ का नज़ारा है, तो यहाँ पर आप देख ही लिए होंगे। तो यहाँ पर हम लोग निकलते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से रास्ता है नीचे जाने का। और यहाँ पर घर
जाने के लिए दो रास्ता था, तो फिलहाल कच्ची रोड जो होता है उसी से निकल चुके हैं, क्योंकि बिकॉज ये जो होता है ना रास्ता, ये हम लोगों का नज़दीक की रास्ता है और उधर से अगर हम लोग जाते हैं वहाँ पर थोड़ा लेट लग जाता है, तो यहाँ पर इस रास्ते से हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। तो गाइज हम लोग यहीं से ब्लॉगिंग को स्टार्ट किए थे बट एंड करने वाले हैं घर जाके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट किए थे। तो गाइज हम लोग घर की तरफ आ चुके हैं ब्लॉगिंग शूट करके। आई होप आप सभी को ये ब्लॉग अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना यार। तो चलते हैं यार यही ब्लॉग को एंड करते हैं, तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।